हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यह हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। होयसाला का जो टेम्पल है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जगह मिल चुकी है। तो देखते हैं क्या है। सेक्रेड एंसेम्बल्स, एंसेम्बल्स जैसे एक ग्रुप को आप एक तरीके से डिनोट, तो यहाँ पे टेम्पल्स हैं और उसको ये डिनोट करेंगे हम लोग होयसाला टेम्पल से, इसलिए इसको ऐसे एंसेम्बल बोला जा रहा है। ऑफ द होयसाला विच इंक्लूड्स थ्री टेम्पल्स, देखिए थ्री टेम्पल्स इन कर्नाटका, हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जो होयसाला टेम्पल एज दे आर ऑल्सो नोन विल बी इंडिया 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, वेरी गुड। ऑन संडे रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन द यूनिवर्सिटी टाउन इन वेस्ट बंगाल वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो एक तो होयसाला टेम्पल हो गया, एक आपका रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन हो गया। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द एजेंसी इन रियाद सऊदी अरेबिया वेयर द 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज बींग हेल्ड टिल सेप्टेम्बर 25। इंडिया सबमिटेड इन नॉमिनेशन डॉजियर फॉर दी सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ दी होयसाला और टू द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन जनवरी 2022। द साइट हैज़ बीन ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट सिंस 2014, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI सेड आफ्टर द अनाउंसमेंट। द होयसाला टेम्पल बिल्ट इन 2013, जस्ट अ सेकंड, द होयसाला टेम्पल बिल्ट इन 2013 सेंचुरीज ऑफ बाय द होयसाला किंग आर डेडिकेटेड टू शिवा एंड विष्णु। तो चलिए मैं इसका समरी दूंगा आपको। द थ्री टेम्पल्स इंक्लूडेड दी चिंग, देखिए चेना केशवा टेम्पल, द मेन टेम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स एट बेलूर, हसन डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल सेटलमेंट विच इज सराउंडेड बाय रेमिनेंट ऑफ मड फोर्ट एंड द मोट। ठीक है, द होयसालेश्वर टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ द्वारा समुद्र टंकिन हलेबिडू हसन डिस्ट्रिक्ट, देखिए प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत होगा उसके लिए पहले ही माफी। अ टाउन विच हैज़ मैनी मैनी प्रोटेक्टेड एंड अनप्रोटेक्टेड टेम्पल आर्कियोलॉजिकल रूइंस एंड माउंट्स एंड द केशावा टेम्पल एट द सेंटर ऑफ द सोमनाथपुरा विलेज मैसूर डिस्ट्रिक्ट। द मोन्यूमेंट टेस्टिफाइज टू द क्रिएटिव जीनियस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द होयसाला आर्टिस्ट ओवर सम ओवर स्टोन कार्विंग स्किल दैट मेन मैटर्स। तो अभी तक ऐसा कोई हमने देखा नहीं, पहले उस टाइम हो गया, आप देख रहे हैं वो हो गया है। द रिचली एक्सपीरियंटल एंड विजुअल स्टाउंडिंग टेम्पल दे विल डेमोन्स्ट्रेट देयर क्रिएटिविटी इन ट्रांसलेटिंग रिलीजियस बिलीफ एंड स्टोरीज इन टू स्कल्पचर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कल्चर, अब देखिए इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हिस्ट्री हो जाती है। सबसे पहले होयसाला एम्पायर, होयसाला एम्पायर, ठीक है, में देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टेम्पल। टेम्पल्स आप अब देखिए यहाँ पे टेम्पल का नाम हमने देखा है, ये फर्स्ट टेम्पल है यहाँ पे, ठीक ये हमारा फर्स्ट टेम्पल है, ये हमारा सेकंड टेम्पल है होयसालेश्वर टेम्पल, ये सेकंड हो गया। और आप देखिए यहाँ पे केशवा टेम्पल, केशवा टेम्पल, केशवा टेम्पल, ये थर्ड हो गया। तो ये तीन टेम्पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है होयसाला आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, उनका आर्किटेक्चर क्या है, अब देखिए उनका आर्ट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है और उनका स्कल्पचर क्या है। जैसे हमने यहाँ पे देखा मैचलेस कार्विंग्स हैं उनकी, ऐसा कहीं पे अभी तक हमने देखा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मतलब होयसाला जो एम्पायर है उससे रिलेटेड हमारे लिए बहुत चीज़ें हैं। और फोर्थ, यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिफ्थ आप देखिए यहाँ पे एक तो टेम्पल्स को मिला है लिस्ट को, और सेकंड आपको टैगोर शांति निकेतन को मिला है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो शांति निकेतन है वो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, क्यों बना है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।